जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जो शादियां होती है धार्मिक तरीके से होती है, लेकिन धार्मिक तरीके से होने के बावजूद भी उनको सरकार के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। भाई साहब, एक ऐसा राज्य भी आ गया है उभर के सामने जिन्होंने क्या किया, पुलिस वालों पे हमला कर डाला है। पर ऐसा कहाँ पर हुआ है? हुआ है उत्तराखंड के अंदर। अब पूरी बात क्या है वो पहले समझिएगा, फिर बाद में आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लॉ जो लॉ है वो बनाना चाहिए, या फिर थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या कोई नियम लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई साहब, उत्तराखंड में क्या हुआ, एक जगह है, जगह का नाम यहाँ पे क्या है, हल्द्वानी। अब हल्द्वानी में एक जगह है जिसका नाम है बनभूलपुरा। बनभूलपुरा में क्या हुआ है, पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया, पत्थरों से उनके ऊपर मतलब पत्थर फेंके गए, उनको डंडे से मारा भी गया है, और ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि 200 से लगभग ज्यादा ही पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको, उन जो पुलिस हैं उनको एक राइट दिया गया है कि वो कहीं भी अपना गोलीबारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो कानून है, जो राइट है, वो जल्दी नहीं मिलता, मतलब उसे हम कहते हैं शूट ऑन साइट। इसका ऑर्डर ये होता है कि आप जहां कहीं भी, अगर आप अपने बचाव करना चाहते हो तो आप गोली चला सकते हो, गोली चलाने का अधिकार जल्दी से नहीं होता है, पर उत्तराखंड में ये दे दिया गया। पर वॉयलेंस क्या है पहले वो समझते हैं। तो हल्द्वानी के अंदर क्या हुआ, बनभूलपुरा में एक जगह है, बनभूलपुरा नाम की जगह है, वहां पे क्या है, मतलब थोड़ा सा जमीन का हिस्सा है जहां पे 50,000 से ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। मुस्लिम्स रहते हैं तो इससे क्या रिलेशन है वॉयलेंस का, वॉयलेंस वहां पे ये हुआ है कि मस्जिद और कुछ जैसे हम कह सकते हैं मदरसा जो बना हुआ है उनको बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया गया, जिसके बाद ये जो वॉयलेंस है बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। पर इनको मस्जिद और जो मदरसा थे इनको क्यों गिराया गया, बात वहां पे ये थी कि मान लीजिए क्या है, छोटा सा जमीन का हिस्सा है हल्द्वानी के अंदर बनभूलपुरा में, तो ये जो हिस्सा है जमीन वाला, इसको सन 2013 के अंदर क्या किया गया था कि रेलवे बनाने के लिए, मतलब रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे जो है विभाग है उनको ये सौंपा गया था। क्यों सौंपा गया था, क्योंकि वो जो रेलवे कंस्ट्रक्शन है वो वहां पे हो सके, सन 2013 की बात है। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ। तो इस वजह से जब वहां पे खाली जमीन पड़ी थी तो जो लोग थे, मतलब इलीगली आप कह सकते हो, जो भी है वहां पे बहुत सारे लोग जाके रहने लगे। ठीक है, तो अब जो है जब क्या किया, रेलवे ने पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भाई वो रेलवे की जमीन थी तो आपको वहां पे कब्जा नहीं करना चाहिए था। तो इसके बाद, ये कहने के बाद क्या हुआ कि राज्य सरकार के द्वारा वहां पे बुलडोजर भेज दिया गया और मस्जिद और मदरसों को गिरा दिया गया। लेकिन इससे पहले 30 जनवरी को, और ये अभी बात है 8 तारीख की, लेकिन 30 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया था कि जो जो भी लोग वहां पे इलीगली लोग रह रहे हैं, मतलब अवैधानिक तरीके से जो लोग वहां पे रह रहे हैं, वो जगह को खाली कर दे। अब भाई साहब आप ये बताइए, 30 जनवरी को आपने क्या कर दिया, नोटिस दे दिया, 30 जनवरी को, 3 फरवरी को आप चले गए वहां पे बुलडोजर लेके, तो 3-4 दिन के अंदर कौन अपना रहने का जो ठिकाना नया बना लेगा, आप बताइएगा, कमेंट में एक बार बोलिएगा। तो बताइए, 30 जनवरी को नोटिस दी गई, 3 दिन के अंदर वहां बुलडोजर पहुंच गया, सब कुछ गिरा दिया गया, जिसके बाद वहां के जितने लोग थे वो काफी भड़क गए। भाई हर कोई भड़केगा, आप कम से कम 2-3 महीने की मोहलत तो देना चाहिए था ना, तो गलत ये हुई। तो फिर क्या हुआ, गलती ये हुई, अब वहां पे क्या किया गया, रीजन समझ में आया कि लैंड एरिया क्या था, वहां पे 50,000 से ज्यादा मुस्लिम थे, इनके घरों को तोड़ा गया, मस्जिद मदरसा सबको गिरा दिया गया, जिसको जो जमीन थी वो 2013 में रेलवे को दी गई थी, लेकिन उन्होंने वहां पे कोई काम शुरू नहीं किया था, जिस वजह से वहां पे लोग रहने लगे थे। उसके बाद 30 जनवरी को नोटिस जारी किया गया, उसके बाद 3 फरवरी को वहां पे बुलडोजर भेजा गया, सब कुछ वहां पे गिरा दिया गया, मंदिर मस्जिद सब कुछ, मतलब मंदिर तो नहीं कह सकते, मस्जिद और मदरसों को गिराया गया। उसके बाद वहां पे लोगों का पथराव शुरू हो गया, अब जो लोग थे काफी ज्यादा हिंसा वहां पे हो गई है, मतलब आप कह सकते हो कि 200 से प्लस पुलिस वाले जो है उनको, मतलब उनको घायल हो चुके हैं वहां पे, बाकी जनता भी वहां पे थोड़ा बहुत वहां पे उनको नुकसान हुआ है। तो ये पूरा मैटर था उत्तराखंड के हल्द्वानी का, इससे पहले कर्नाटका में आपने देखा, अब उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड में शुरू हो गया। और उत्तराखंड में ही अभी हाल ही में यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, इसके लिए हमारे संविधान में क्या है, डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 44 मेंशन है।
अब यूसीसी मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक, सिविल का मतलब नागरिक, मतलब पूरे नागरिकों के लिए एक कानून होगा, ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको सबसे पहले गोवा ने लॉन्च किया था, लेकिन बाद में अभी स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना है उत्तराखंड जिन्होंने इसको लागू किया है। अब ये जो यूसीसी है इसमें क्या है कि हर एक नागरिक को समान राइट या फिर समान उनके लिए बनाया जाएगा नियम, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जो शादियां होती है धार्मिक तरीके से होती है लेकिन धार्मिक तरीके से होने के बावजूद भी उनको सरकार के अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तीसरी चीज ये बोली गई कि जो लिव इन रिलेशनशिप से बच्चे होंगे वो भी गैर कानूनी नहीं माने जाएंगे, उनका भी उनके माँ बाप के अधिकार रहेगा। तो यूसीसी इसके पहले लॉन्च हुआ था तो इसके लिए भी वायलेंस हुआ, लेकिन बड़ा वॉलेंस तो ये वाला निकल के चला आया जहाँ पे हल्द्वानी में क्या कर दिया गया है, पथराव हुआ, पुलिसकर्मी बहुत ज्यादा घायल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अब एक जमीनी हिस्सा था जिसको 2013 में रेलवे को दिया गया था, लेकिन वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग वहां पे आके रहने लगे। तो रेलवे ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई साहब आप वहां पे खाली कर दीजिए, लेकिन 30 जनवरी को उन्होंने राज्य सरकार ने वहां पे नोटिस जारी कर दिया और 3 ही तारीख को वहां पे सब कुछ खत्म कर दिया गया और टाइम भी नहीं देगा। गलत बात है ना, टाइम देना चाहिए था। तो ये था पूरा मैटर उत्तराखंड के हल्द्वानी का। तो आपको ये चीज जो है सही है या नहीं जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।